हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंजीनियरिंग मशीन्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो मशीन दिखा रहे हैं उसका नाम है मिनी कॉलर टाइप एफएफएस मशीन विद वॉल्यूमेट्रिक कप फिलिंग सिस्टम। मिनी कॉलर टाइप बोलने से मतलब ये है कि ये मशीन कॉलर टाइप के जैसी है लेकिन कॉलर टाइप नहीं है। बहुत से लोग जो नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, फ्राइम्स, कुरकुरे, मैक्रोनी, पास्ता, बेबी रिंग्स, इस तरह के आइटम पैक करने के लिए अमूमन कॉलर टाइप मशीन आती है जो कि कॉस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होती है। अगर आपका बजट कम है तो जाहिर सी बात है आप एक ऐसी मशीन देखना चाह रहे होंगे जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो लेकिन रेट कम हो, तो ये मशीन आपके लिए है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक कप फिलिंग डिस्क है जिसमें वाइब्रेटरी हॉपर लगा हुआ है। ऑटोमेटिक लेवल सेंसर के अकॉर्डिंग मटेरियल कप्स में फिल हो रहा है। पाउच फॉर्मिंग सिस्टम इसमें कॉलर टाइप है जैसा कि प्रॉपर कॉलर मशीन में होता है। न्यूमेटिक मशीन जो शूट बेस होती हैं उनकी स्पीड कम होती है, साथ ही में पेपर सेट करने में उस मशीन में दिक्कत होती है, पेपर यानी कि लेमिनेट रोल। इस मशीन में कॉलर लगाने से आपका पेपर रनिंग स्मूथ हो जाता है, साथ ही में आपको हाई प्रोडक्शन मिलता है जैसा कि कॉलर टाइप मशीन में आप लेते हैं। बैच कोडिंग सिस्टम रिबन टाइप बैच कोडर इस मशीन में लगा हुआ है जिससे आप MRP, बैच नंबर, पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। मशीन सस्ती रहे इसके लिए इसका स्ट्रक्चर MS पाउडर कोटेड है। कॉन्टैक्ट पार्ट्स सारे SS304 हैं। पाउच की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन फिल्ड पाउचेस आपके सामने हैं। पाउच की फिनिशिंग की अगर बात करते हैं तो इस मशीन से आपको वैसा ही पाउच का गेटअप मिलता है जैसा कि प्रॉपर कॉलर टाइप मशीन से मिलता है। कॉलर टाइप मशीन साइज में बड़ी होती है, जगह भी ज़्यादा लेती है, साथ में उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। वहीं इस मशीन को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके कंज्यूमेबल्स कम से कम लगे, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका कम आए और साथ में आपको पाउच की क्वालिटी और प्रोडक्शन सेम कॉलर टाइप मशीन जैसा लगे। उम्मीद करता हूँ ये मशीन आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नई मशीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।